ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग। फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? शुड बी इजिली अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट। ऐसे प्लान्स रखने चाहिए जो हमारे यहाँ की ह्यूमन रिसोर्स है उनको कैलकुलेशन बहुत इजी हो। जैसे मान लो मैंने किसी को अपॉइंट किया और मैंने सैलरी तो एक फिक्स बता दी, उसके बाद मैंने बोला कि आप इतना परफॉर्म करेंगे तो आपको इतना परसेंटेज बनेगा और उसके ऊपर ये परसेंटेज बनेगा। तो होना क्या चाहिए? जो कैलकुलेशन का बेसिस होता है वो बहुत अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें कुछ समझ ही नहीं आया, हम किसी का काम करने जा रहे हैं और उन्होंने सैलरी के बेसिस पे हमको कुछ समझाया कि इतना परसेंटेज ऐसा, इतना ये, उतना वो, क्या चाहते हैं हम लोग? सिंपल लैंग्वेज में क्लियर हो कि हमारी सैलरी क्या है और आगे के लिए हमारा क्या कमीशन बन सकता है। ठीक है, तो जो भी हम सैलरी या कंपनसेशन प्लान करते हैं उसको हमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? फिर नेक्स्ट आता है मोटिवेटिंग पर्सोनल। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। और जब हम मोटिवेट करना चाहते हैं पर्सोनल्स को ताकि उनका टैलेंट और निखर के आए, फ्यूचर में वो लोग बहुत अच्छे से काम करें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है। ठीक है, मोटिवेशन के लिए हम उन्हें अलग अलग चीजें प्रोवाइड करते हैं। कई बार बेसिक सैलरी के साथ हम उन्हें जो अभी मैंने डिस्कस किया था, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या अच्छा जो लेवल्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जैसे टॉप लेवल है, फिर मीडियम लेवल है, फिर लोअर लेवल पे है, उसके नीचे क्या होते हैं? वर्कर्स होते हैं। तो सबका ही जो भी मोटिवेशन लेवल होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे टॉप मैनेजर्स क्या चाहते हैं? उनको सैलरी तो ऑलरेडी बहुत अच्छी मिल रही होती है, तो उनको सैलरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट चाहिए? रिकॉग्निशन की। रिकॉग्निशन मतलब अगर कोई अच्छा काम किया है तो लोग उनको जाने। ठीक है, अप्रेजल की। ठीक है, जैसे कई बार जो एम्प्लॉयर होता है बहुत लोगों के सामने अगर किसी की तारीफ कर दे या उनका नाम किसी बड़े बोर्ड पे चिपका दे, तो उनको वो अप्रेजल चाहिए उनके काम के लिए, उनको सैलरी से कोई मोह नहीं है। यही अगर हम सबसे बॉटम लेवल की बात करें, जैसे वर्कर्स होते हैं, तो वर्कर्स को अप्रेजल के फॉर्म में क्या चाहिए? उनको बढ़ी हुई सैलरी चाहिए, उनको बढ़े हुए वेजेस चाहिए। ठीक है, तो सबके लिए ये जो मोटिवेशन का लेवल होता है सबके लिए अलग-अलग होता है। समझ में आया? इससे पहले भी हम लोग ये टॉपिक कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हर किसी का मोटिवेशन पावर, हर किसी का मोटिवेशन लेवल अलग होता है, लेकिन होता जरूरी है।